सीएम साहब भी आया, चीफ सेक्रेटरी आया, डीजीपी सब आए हैं यहाँ पर, उसके बावजूद भी यहाँ कोई फैसिलिटीज का कोई कमी महसूस हुआ सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह में दिखाई दिया, ये कहाँ तक सही है सर? और यदि ये मात्र एलिगेशन है तो कोई बात नहीं, यदि हकीकत है तो आप लोग सोल्यूशन क्यों नहीं करते हैं? नहीं नहीं, अभी सोल्यूशन ऑलमोस्ट रिजॉल्व है, कुछ पानी का प्रॉब्लम था, टॉयलेट भी अभी आके रखा है, जो मूवेबल टॉयलेट है वो अभी आज इंस्टॉल हो जाएगा, तो पानी का भी प्रबंध हो जाएगा, कुछ टैंक मंगाया, थोड़ा सा कमियां शुरुआत में होगा तो आस्ते आस्ते, क्योंकि सडनली डिसीजन आया कि लड़का अपना बच्चों को बाहर से लेके आना है, तो हम लोग ला रहा हूँ, तो थोड़ा सा शुरुआत में क्योंकि सडनली क्वांटम नंबर्स में जंप इन हो गया, तो हम लोग उसको मेंटेन करने में थोड़ा तकलीफ लग रहा है, बट आने वाला एक दो दिन में हम लोग सारा सेट कर देंगे। सर, स्टेट गवर्नमेंट का एक रिकमेंडेशन का हिसाब से एक असेसमेंट किया था कि करीब 3000 के लगभग नॉर्थ ईस्ट से आने वाले हैं और करीब 9000 से 10000 जो बाकी स्टेट से आने का बात है, तो अभी तक कितना आया और कितना का अरेंजमेंट आपने, जो फैसिलिटी क्वारंटाइन जिसको बोलते हैं, आपने कोशिश किया सर उसको? देखिए, आज हम लोग मीटिंग किया है, ये ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन तबादर साहब, हम लोग ने मीटिंग किया कि अभी जो हम लोग जितने भी जो स्टूडेंट्स या स्टैंडर्ड जो बाहर से जो आ रहा है, वो सारा लोगों को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक नोडल ऑफिसर बनाया, तो इन लोग जो है अपना अपना जो जो स्टूडेंट्स लोग को अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में ले जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, तो यहाँ में अभी रस थोड़ा कम होगा, तो इसलिए हम लोग जो अभी ये जैसे कुरुंग कुमे में हो गया, करादादी में, लोअर सुबनसिरी में, कामले में, अपर सुबनसिरी में, हर जगह में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, तो लोगों को यहाँ से उन लोगों को लेके ट्रांसपोर्टेशन हम लोग देंगे सरकार करके, वहाँ में हम लोग क्वारंटाइन रख देंगे और जो भी स्वाब कलेक्ट करना वहाँ से कलेक्ट करके फिर वहाँ से भेजेंगे, तो आई थिंक अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में सारा अरुणाचल प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम लोग 8-10 हज़ार हो या 10-15 हज़ार हो सब हम लोग मेंटेन कर लेंगे। किसी का स्टेटस क्या है सर, और फैसिलिटी क्वारंटाइन के अलावा आप पेड क्वारंटाइन का भी सिस्टम आप रखे हैं, उसका क्या स्टेटस है? पीटीसी में क्या हो गया कि थोड़ा रस आ गया, क्योंकि ईस्टर्न साइड का भी और जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाला लोग यहाँ में एक साइड जाम हो गया, तो उसको चलते थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा सा लूपोल्स आया, तो अभी वो रेक्टिफाई हो गया, अदरवाइज हम लोगों के पास जो फैसिलिटी जो सरकार तरफ से जो फैसिलिटी दिया, जो भी एक इंडिविजुअल को जो फैसिलिटी देना सारा अवेलेबल पड़ा हुआ है, तो वो हम लोग कोई प्रॉब्लम जैसे थोड़ा सा पानी का तरफ प्रॉब्लम था वो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। सर, 300 से ज़्यादा बच्चे लोग और बाकी लोग आ चुके हैं सर नॉर्थ ईस्ट से और बाकी राज्यों से भी, कोटा वगैरह से, उसमें से सुनने में आया कि करीब 100 के लगभग बाहर चले गए, अभी यहाँ करीब 200 के लगभग है पीटीसी में अभी फिलहाल, तो उनके माँ पिताजी काफ़ी चिंतित है क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी इधर उधर का जो है बाथरूम वगैरह का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम है, मच्छरदानी नहीं है, ऐसा बोल के काफ़ी चर्चा में है सर, उन माँ पिताजी लोग को आप क्या कहेंगे सर? देखिए, यहाँ में सारा चीज़ इंतजाम है, मच्छरदानी या ये बिस्ना चारपाई बोलो या कोई भी जो एक इंडिविजुअल को तावेल तक जो बाकेट दिया सारा चीज़ इंतजाम है, कुछ लोग जो है उसको अफवाह फैल रहे कि इस तरह का है, और थोड़ा सा तकलीफ तो उठाना पड़ेगा, जैसा घर में जो फैसिलिटी मिलता है वो तो मिल नहीं पाएगा, एक टीम में है, ये एक महामारी में है या में एक वायरस है, तो उस वायरस से बचने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना, तकलीफ तो उठाना पड़ेगा, तो होपफुली कि हम लोग आज सब मिल गया है, सब कोई भी इजी नहीं है, सब तकलीफ में है, तो उस तकलीफ से अगर उबल कर आएगा तो हम लोग शायद वी रिमेन सेफ होगा, सिक्योर्ड होगा। सर, दूसरा एक सवाल निकला है बंदरदेवा चेक गेट, होलोंगी चेक गेट में आमने सामने के जो लोग रहते हैं जिनका ऑफिस कारोबार है असम में रहने वाले, जिनका ऑफिस है ईटानगर में, वो उनको भी देखा गया कि आते जाते हैं, तो आपका बॉर्डर सील और जो बाहर इंटर स्टेट ट्रैफिकिंग जो बोलते हैं वो क्यों हो रहा है सर, और इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है सर? नहीं नहीं, अभी कोई भी अभी इंटर स्टेट का जो खुला नहीं है, जो भी अगर असम से या अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है वो इलीगल है, तो मेरा पुलिस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देगा, जो भी इस ढंग से करेगा तो दे विल बी बुक्ड अंडर वेरियस प्रोविजन, तो वो नहीं करना है। मेरा अपील है कि जो असम में जो नौकरी करो या जो भी करो, आपको आज के डेट में आने के लिए मना है, आप आने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये जो है सिर्फ इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट का सिर्फ अलाउड है, नॉट इंटर स्टेट।
ट्रक का मूवमेंट का एक प्रॉब्लम हो रहा है सर, क्योंकि देखा गया कि होलोंगी में आज के दिन में भी कम से कम 50 से ज्यादा ट्रक खड़ा है, बंदरदवा में भी कम से कम 70 से 100 ट्रक खड़ा है सर। इसका तो ये मूवमेंट को आप स्मूथ करने के लिए आप क्या करने जा रहे? उसका एक मेकानिज्म बनाया अभी शायद नेक्स्ट 24 आवर्स में दोनों डीसी, कैपिटल डीसी एंड रूरल डीसी जो है उसका एक मेकानिज्म ड्रॉ करके सरकार को सबमिट करेगा, उसी से हम लोग काम करेंगे। सर लॉकडाउन 3 चल रहा है, लोग काफी रिलैक्सेशन सरकार भी दिया, भारत सरकार और अरुणाचल सरकार, फिर भी लोग मास्क यूज कम करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो कल स्टेट बैंक देखा गया ईटानगर और निर्जुली में देखा गया कि कम से कम मोर देन 100 कस्टमर्स आर स्टैंडिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा बंटाधार कर दिया, तो लोगों को क्या कहेंगे सर आप? लोग को बस क्या कहेंगे, लोग को अपील कर सकता है कि अपना आपको बचा के रखिए, अपना आपको प्रोटेक्ट कीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, हो सके तो घर से ना निकले बिना काम का, वही मैं अपील कर सकता हूँ, उसका अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। कला चेहरा को नहीं सब रूम में बाकी देता है सामान, यहाँ पर स्टॉक में क्या क्या है बता दीजिए। पिलो कवर सैनिटाइजर सब कुछ है यहाँ, सबको सेपरेट सेपरेट पिलो कवर बेडशीट पैकेट सब देना है, सबकी एक दूसरे को मतलब कॉमन भी जितना हो तो सैनिटाइजर सब इकट्ठा है पूरा, देख लीजिए बकेट है, मिनरल वाटर पिला रहे उसको, मिनरल वाटर पिला रहे, ये सब क्या है सर स्टॉक में? बेडशीट वगैरह है ना, मीडियम साहब क्या है स्टॉक में आपके पास में, क्योंकि काफी प्रॉब्लम बच्चे लोगों को फेस करना पड़ रहा है, सुनने में आ रहा है हम लोग का स्टॉक में इससे ज्यादा हम लोग दे चुका है, अभी इतना बचा है और भी देगा हम लोग, ये ब्रश टॉयलेट सफा करने का ब्रश है और ये मास्क है, ये साबुन वॉशिंग सोप है उसको सोप देता है, आप लोग कोलगेट देता है सबको, ब्रश देता है और ये वॉशिंग सोप देता है, ये बाथिंग सोप और ये सब हार्पिक है टॉयलेट बाथरूम धुलाने के लिए, और आदमी को हम बकेट देता है और मग देता है और ब्लैंकेट देता है, तोशक देता है, मच्छरदानी देता है, पिलो कवर पिलो देता है, टॉवल देता है, पूरा देता है, जो वाटर दे रहा है। तो मॉस्किटो सेट का कुछ प्रॉब्लम है सुना था, सब देता है, सब देते हैं आप लोग ना, जो लड़की लोग जो क्या लगाता है ना ये, हाँ वो कुछ सैनिटरीज वगैरह मांगने से भी हम लोग लेते हैं, रखा हुआ है ये। ठीक है, ये है मतलब पर्सनल हाइजीन का जो आप लोगों ने अरेंजमेंट सब कुछ कर रखा है ना, जो जो मांगता है ये देता है, दुकान में जाने का जरूरत नहीं पड़ा, पूरा है पूरा। ये सब क्या है सर? ये सब मिनरल वाटर है, वहाँ देता है। ओके, ब्लीचिंग है या मैं चक्रवर्ती साहब क्या है इसमें, ये कार्टून वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर है, मच्छर ना ये कीट है, ये कीट है, कीट से हम लोग का जो सफा करने वाला ब्लीचिंग पाउडर है और ये हैंड सैनिटाइजर है, उसके बाद में हार्पिक है सर, ये सारा सैनिटाइजर है स्प्रे वाला, चक्रवर्ती साहब ये जो इनमेट्स जो बच्चे लोग जो है स्टूडेंट या बाहर वाला, क्या उन लोगों को मास्क और ग्लोव का भी जरूरत पड़ता है ना? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है, दे रहा है उसको भी दे रहा है। अच्छा वो भी आप देते हैं ना? ठीक है।